हाथरस कांड से जुड़ी बड़ी खबर आपको देते हैं। न्यायिक जांच के लिए आयोग का गठन हो गया है। रिटायर्ड जज ब्रजेश श्रीवास्तव अध्यक्षता करेंगे। इसकी पूर्व आईएएस हेमंत राव भी आयोग में शामिल हैं। पूर्व आईपीएस भावेश सिंह को भी आयोग में शामिल किया गया, जो कि अब न्यायिक जांच करेंगे। रिटायर्ड जज को जिम्मेदारी सौंपी गई है। ब्रजेश श्रीवास्तव को, जो कि इसके अध्यक्ष होंगे, पूर्व आईएएस हेमंत राव भी आयोग में शामिल है। तो रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में यहां पर यह गठन किया गया है। विशाल इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। विशाल, आयोग का गठन कर दिया गया है न्यायिक जांच के लिए, अब क्या जानकारी? देखिए, बिल्कुल आपको बता दें कि फिलहाल जो है तीन सदस्यीय जो कमेटी है उसका गठन कर दिया गया है न्यायिक आयोग का, और ब्रजेश कुमार दीप्ति जो रिटायर्ड जज है उनकी अध्यक्षता में ये टीम बनाई गई है, जिसमें भावेश कुमार सिंह जो पूर्व आईपीएस है और डीजी इंटेलिजेंस के पद पर रहे हैं उनको मौका दिया गया है, उनको जो है मेंबर रखा गया है। इसके साथ साथ रिटायर्ड आईएएस हेमंत राव जो राज्य परिषद के अध्यक्ष रहे हैं उनको भी मेंबर रखा गया है। और फिलहाल आपको बता दें कि फिलहाल जो है इस पूरे मामले को लेकर जो अब न्यायिक आयोग है उसका गठन कर दिया गया है, जिसका बेस जो है वो लखनऊ रखा गया है आयोग का, और जल्द से जल्द ये पूरी जो टीम है ये अपनी रिपोर्ट जो है वो तैयार करेगी। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए विशाल।